वेल माइडेड स्टूडेंट्स द कोर्स इज लेबर पॉलिसी पाकिस्तान एंड द टॉपिक इन हैंड इज कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन सेक्शन अलेवन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट टू थाउजेंड एंड ट माइडेड स्टूडेंट्स जो ट्रेड यूनियन रजिस्टर हो गई है क्या उसका स्टेटस कैंसिल हो सकता है इस बारे में लॉ ये कहता है सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन इस सेक्शन की जो दूसरी प्रोविजन है उनके ताबे रहते हुए द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन में रजिस्ट्र इफ द ट्रेड यूनियन हैज कॉन्ट्रावीड और हैज बिन रजिस्टर्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल तो बात यह की जा रही है कि अगर कोई ट्रेड यूनियन है और जो रजिस्ट्रार है वो सेटिस्फाइड है कि ये जो ट्रेड यूनियन है ये जो रजिस्टर्ड हुई है वो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ में हुई है यानी एक्ट की कॉन्ट्रावेंशन में हुई है या जो रूल्स एक्ट के अंडर अंडर बने हैं उसकी वायलेशन में हुई है इसके अलावा अगर जो रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन है वो कन्वेंस्ड है के अप्लाइड फॉर सच कैंसलेशन और सीज टू एग्जिस्ट कि अगर ट्रेड यूनियन ने खुद अप्लाई किया है कि उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाए या ये है कि ट्रेड यूनियन जो है वो ऑपरेट करना बंद हो गई है उस वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गई है या कुछ सर्कमस्टांसेज ऐसे डेवलप हो गए हैं कि अब उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो पॉसिबल नहीं है तो जो रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन है वो ट्रेड यूनियन की जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसल कर सकता है इसके अलावा जो एक और प्रोविजन दी गई है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए वो ये है कि अगर जो रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है कि जो ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन है वो फ्रॉड से ली गई है या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट से ली गई है सवाल पैदा होता है कि फ्रॉड किसे कहते हैं अगर कहीं पर कोई मिसरेप्रजेंटेशन है कहीं पर कोई गलत बयानी है और वो विलफुली की गई है तो वो फ्रॉड है और मिसरेप्रजेंटेशन और फ्रॉड में फर्क क्या होता है मिसरेप्रजेंटेशन में बात ये होती है कि फैक्ट्स आपने बयान किए हैं गलत लेकिन आपकी उसमें इल विल शामिल नहीं है आपको पता ही नहीं है कि ये फैक्ट्स गलत हैं अगर आप जानते हैं कि ये फैक्ट्स गलत हैं और फिर भी आप उनको बयान करते हैं तो फ्रॉड अगर आप नहीं जानते कि फैक्ट्स गलत हैं और फिर आप उनको बयान करते हैं तो ये मिसरेप्रजेंटेशन कहलाती है तो दोनों सूरतों में अगर ट्रेड यूनियन मिसरेप्रजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स के जरिए से रजिस्टर करवाई गई है तो कैंसिल होगी और अगर फ्रॉड के जरिए से रजिस्टर करवाई गई है तो कैंसिल होगी दूसरा जो आपके इलम में बात लाने की है वो ये है कि द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन मे बी कैंसल्ड बाय द रजिस्ट्रार इफ द ट्रेड यूनियन हैज ऑपटेड लेस देन टेन परसेंट ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड इन एन इलेक्शन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अ कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट और इज नॉट अ कंटेस्टेंट इन सच इलेक्शन तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई ट्रेड यूनियन कोई ऐसा पोल जिसमें यह तय पाना है कि कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट कौन है किसी स्टैब्लिशमेंट में या ग्रुप ऑफ स्टैब्लिशमेंट में या इंडस्ट्री में और उस पोल में जो ट्रेड यूनियन ने वोट्स लिए हैं वो लेस देन टेन परसेंट ऑफ द टोटल वोट्स लिए हैं तो फिर भी उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रार कैंसिल कर सकता है इसके अलावा एक और रीज़न जो लॉ देता है कि इसकी बेस पर भी रजिस्ट्रेशन ऑफ़ ट्रेड यूनियन कैंसिल हो सकती है वो ये है कि जो ट्रेड यूनियन है फेल्ड हो गई है अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करने में रजिस्ट्रार के साथ इसके अलावा जो एक और प्रोविजन है जो कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ़ ट्रेड यूनियन की तरफ लेके जा सकती है वो ये है कि ट्रेड यूनियन हैज कॉन्ट्रावीन एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन है ट्रेड यूनियन का ट्रेड यूनियन ने उसी की वॉयलेशन कर ली है तो इस सूरत में भी ट्रेड यूनियन की जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल की जा सकती है जो एक और ग्राउंड है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर ट्रेड यूनियन ने कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है या कॉन्स्टिट्यूशन की कोई ऐसी प्रोविजन है जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012 की वायलेशन में है या उसके तहत जो रूल्स बने हैं उनकी वायलेशन में है तो फिर भी ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है देखें जब ये रीजंस मौजूद हैं या कोई एक रीज़न मौजूद है और रजिस्ट्रार इस ओपिनियन का है के ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करनी चाहिए तो फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा रजिस्ट्रार फिर एक एप्लीकेशन कमीशन के सामने सबमिट करेगा और उसमें सीख करेगा परमिशन के इस ट्रेड यूनियन को कैंसल इस ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की परमिशन दी जाए देखें गुजारिश ये है ये सारा जो राइट्स पावर्स रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन को जो हासिल हैं ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए वो बेसिकली चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है ट्रेड यूनियंस के ऊपर तो अगर कमीशन रजिस्ट्रार को इजाज़त देता है कि ट्रेड यूनियन को कैंसिल कर दे तो फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन शेल बी कैंसल्ड बाय द रजिस्ट्रार इफ आफ्टर होल्डिंग सच इंक्वायरी एज ही डीम्स फिट ही फाइंड यूनियन हैज डिजॉल्व सेल्फ और हैज सीज टू एग्जिस्ट तो ये भी बेसिकली प्रोविजन है परमिशन मिल गई इंक्वायरी हो सकती है और उस जमीन में अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो जाता है तो फिर वो ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है Hope you have understood the topic. Thank you very much indeed.